भांडम भिनत्ति धीरे से छेद करता है नीचे से खुद खाए तब तब भी गनीमत है। बोले मरकान भोक्षण बंदरों को महाराज खिलाता है, हम तो तंग आ गए इससे। विभजति सचे नाति भंडम भिनत्ति, और अगर पेट भर गया दोनों का ही, बानरों का इसका भी, तो भी बचा हुआ है भांडम भिनत्ति, तोड़ ताड़ के फिर चला जाता है। मान लो घुसा हमारे घर में, मिला नहीं उसको कुछ, तब बहुत नाराज होता है कि घर में रखते नहीं कुछ बहुत नाराज होता है, हमारे बच्चों को रुला देता है, उनके कान ऐंठ देगा जोर से। द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठिको लूखलाद्यैः, छिद्रं ह्यंतर निहित वयुनः। सींक से दूध पी जाता है, सींक डालता है महाराज, वो तभी से आप लोग पेप्सी वेप्सी में कुछ उसके नकल करते हो। शिक्य भांडे भांडेशु तद्वित, तद्वित माने मालूम है उसको कि किस बर्तन में डालने से मिलेगा। हम अंधेरे में चीजों को रखते हैं, तो आपने इतने गहने पहना रखे हैं कि वो चमकते रहते हैं, अंधेरे में लाइट हो जाती है, और कुछ कुछ ना इसके शरीर में भी थोड़ी ज्योति है, इसलिए अंधेरा तो कामयाब होता नहीं। महाराज इसको संभालो, तंग करके रखा है इसने, अगर नहीं कुछ मिलता है तो हमारे घर में कार्यक्रम करके आता है। आप समझ गए होंगे। बोले ऐसा तंग कर रखा है, अब हमें सफाई करनी पड़ती है। ओहो कन्हैया जी महाराज ये ऐसी बाल लीला करते हैं। जब यशोदा जी ने उसकी ओर देखा, वो महाराज अभिनय शिरोमणि हैं, आंखों में इतना भय दिखाई दिया, यशोदा जी ने डांटने की बात छोड़ो गोद में उठा लिया, बोले जाओ तुम लोग बेकार की बात करते हो, उलाहना देने चले आए, बच्चा डर गया हमारा, इतना छोटा सा हमारे क्या कमी है दूध दही की, अरे भाई इसको चोरी का स्वादिष्ट लगता है, क्या करें। लिखते हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्याः गोपदारकाः, एक दिन ऐसा हुआ बलराम जी ने पकड़ लिया उसको, बोले कृष्णो मृदम भक्षितवानिति, माता जी आज कन्हैया जी ने तो मिट्टी खाई है, उलाहना देने वाला कौन, गोपी नहीं, सीधा सीधा बलराम जी बड़े भाई हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता है उनको, तो कन्हैया जी ने शुरू से ही सत्य भाषण का व्रत ले रखा था। साफ साफ बोला नाम भक्षितवान, बोले बिल्कुल नहीं खाया मैंने, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विषमसिना, ये सब झूठे हैं, सत्य केवल मैं ही जानता हूँ। अरे भाई धरती का नाम मैंने सुना था रसा रसा रसा, मैंने तो सोचा जरा चखा जाए कि इस रसा में रस क्या है, हैं? मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई। जब बहुत तर्क वितर्क हुआ, बोले भाई प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण होता नहीं, आप अनुमान क्यों करती हो, आप देखो ना मुंह में, मुंह खोल के दिखाया महाराज तो सारी सृष्टि वहां दिखाई दी। फिर से उनको चक्कर आया, बोले आजकल हमें कुछ बीमारी चल रही थी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या, चक्कर भवती, हमारी बुद्धि को बीच बीच में क्या होता है, जब ये मुंह खोलता है तभी होता है। सारी सृष्टि देखी महाराज, ब्रह्मा जी को देखा सेवा कर रहे हैं, आंख बंद कर ली उन्होंने, एक दो झटके दिए डाउन हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक एकदम ठीक। बोले नहीं नहीं ये कन्हैया तो ठीक है, ये मेरी बुद्धि को कभी कभी, अपनी बुद्धि को दोष देती हैं। महाराज भगवान ने ऐसी प्रेरणा की यशोदा जी को, एकदम भूल गई वो, भगवान चाहते नहीं कि इनका इनकी भक्ति महात्म बोध के साथ होए, नहीं वात्सल्य चाहते हैं, कहते हैं वात्सल्य भाव की जो भक्ति है बड़ी निष्काम होती है।
क्योंकि बालक रक्षा, बालक से रक्षा तो मांगते नहीं आप, उल्टे आप उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हो। और बालक से कामना क्या करें, उल्टे उसी की सेवा में लगे रहते हैं आदमी। तो वात्सल्य भाव से जो की गई भक्ति है, कहते हैं बहुत ही निष्काम, निष्कामता की चरम सीमा है, जहां रक्षा भी नहीं मांगता और कोई चीज भी नहीं मांगता, उल्टे देने का ही भाव रहता है। तो यशोदा जी के मन में महात्मा जगे ही नहीं, बस निष्काम भक्ति प्रवाह सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, जैसे ही उन्होंने देखा आश्चर्य हुआ, लेकिन सद्यो नष्ट स्मृति, स्मृति गई। 44वां श्लोक। सो परीक्षित महाराज झूमते हैं इस कथा को सुन के। सुखदेव जी महाराज से बोले, महाराज मुझे ईर्ष्या हो रही है, ये नंद एक ग्वाले थे, तो यशोदा जी एक ग्वालिन है, और उनको ऐसा सद्भाग्य प्राप्त हुआ, तो भगवान उनके गोद में चढ़े रहते हैं, दूध पीते हैं, जमाई लेते हैं उनको देख करके, बताओ आंख खोल के मुस्कराते हैं, ये सब हो रहा है, ये क्या इन्होंने किया था। बोले तो वसु थे, द्रोणो वसूनाम प्रबरो धरया सहभार्यया। तो द्रोण नाम के नंद बाबा तो द्रोण नाम के वसु थे, और यशोदा जी धरा थीं। ब्रह्मा जी ने जब कहा जाओ नीचे विस्तार करो, सृष्टि में सहयोगी बनो, तो इन्होंने कहा था महाराज भगवान का वात्सल्य दो, वात्सल्य भाव से हम भगवान से प्रेम करें, ऐसा हमें वर दो। वर मिला हुआ है इनको, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ही वात्सल्य रस का आनंद लूटा जा रहा है। क्या हुआ, एक दिन माता जी सुबह सुबह उठी हैं, सेवक सेविकाओं को दासियों को सबको काम पे लगा दिया, ये तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। वो तो यशोदा राजरानी है, मुखिया की पत्नी है, लेकिन कन्हैया जी के लिए जो दही बनाई गई थी ना, वो अलग रहती थी। वो तो बिल्कुल काली गाय, चुनी हुई गाय का दूध लेकर के उसको पका करके, वो सब बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट है। यशोदा जी वो किसी को छूने नहीं देती, वो ये है कि मैं स्वयं ही उसका मंथन करूंगी। अब वो मोटी हैं, स्थूल हैं, यशोदा जी बैठी अपना आराम से, मंथन शुरू हुआ तो थक भी जाती हैं, बीच बीच में पसीना आया हुआ है। कन्हैया जी महाराज उठे, सीधे वहां से कुटकुट कुटकुट करते हुए देखा माता जी तो बिल्कुल मग्न हैं, उन्होंने मथानी पकड़ ली, रुको मैं आ गया, फिर भी चलता चला जा रहा है। बोले क्या चाहते हो तुम, बोले मैं गोद में चढ़ूंगा, चलो रखा, और फिर मंथन कर रहे हैं, स्तन दे दिया मुंह में, वो पीते रहते हैं, बीच बीच में आंख खोलते हैं। यशोदा जी कभी मंथन करती हैं, कभी कृष्ण को देखते हैं, अब देखो क्या बात चल रही है। उस रस का तो अनुभव फिर यशोदा जी ही करें। तो कन्हैया को बहुत ही आनंद था। इस बीच में एक दूध में उफान आ गया, और अब देखो ये तो क्या बोलते हो आप, इंस्टिंक्टिवली यशोदा जी ने आव देखा नहीं था, उसको नीचे रखा और एकदम भागी दूध बचाने के लिए, तो हमारे कृष्ण भगवान हर्ट हो गए ना। उनको लगा है ये दूध हमसे ज्यादा प्यारा हो गया, दूध बचाने के लिए हमको नीचे उतार दिया माता जी ने, लाओ फिर हम भी कुछ करते हैं। एक लोढ़ा पड़ा हुआ था महाराज वहां, और इतनी मेहनत से जो दधी मंथन हो रहा था, पात्र मारा उसके ऊपर, महाराज गुस्सा हो गया ना, हर्ट हुए तो फिर तो तोड़ दिया भांड को। अब जब वो आई दूध को शांत करके, इधर देखा सब बिखरा हुआ, तो आप जानते हो यशोदा जी को क्रोध नहीं आया, यशोदा जी को हंसी आ गई कि अच्छा ये बालक ने जो है तोड़ दिया, चलो ये भी ठीक है, हंसी आई, प्रतिक्रिया ये है यशोदा जी की। फिर उन्होंने देखा गया किधर वो महाराज गुस्से में रूठे हुए हैं, थोड़ा अंधेरे वाले कोने में
एक ऊखल के ऊपर खड़े हैं। यशोदा जी ने कहा कहीं इधर उधर भाग न जाए, इसको बांध देते हैं जरा। जैसे ही उसकी ओर बढ़ी कन्हैया भागे, अब मैंने बताया ना शरीर की व्यवस्था तो होती है, वो महाराज बच्चा भागने में फुर्ती और यशोदा जी दौड़ी दौड़ी एकदम लथर पथर, मेरे ख्याल से जरूरी रहा होगा तो दौड़ाना जरूरी होता होगा तो यशोदा जी को दौड़ाया, एकदम पसीने पसीने हो गई वो। भगवान ने देखा माता जी तो अब रुआंसी रुआंसी हो रही हैं, तो भले वेद की ऋचाएं न पकड़ पाती हों मुझको, लेकिन यू नो भक्ति मती को तो पकड़ में आती है, एकदम पकड़े गए महाराज। बोले देखो शैतानी करता रहता है, बांधूंगी आज तुमको। भगवान ने कहा मैं छुड़ाता हूं, मैं दुनिया भर के बंधन छुड़ाता हूं, तो आज अब मेरे ही बंधने की बारी आ गई, कमाल हो गया। रस्सी लाई गई, यहां लिखा साफ साफ दो अंगुल हर रस्सी छोटी पड़ती है, घर भर की रस्सी जोड़ डाली। यशोदा जी की जिद है कि ना अब तो इसको बांधना ही है, सारी रस्सियां छोटी हो गई जनाब, भगवान को क्या कोई बांधे। तो वो खींच गई और बाकी गोपियां देख भी रही हैं कि आज क्या लीला हो रही है। तो थोड़ा मान का भी प्रश्न हो गया कि देखो एक बच्चे को नहीं बांध पाई, रुआंसी रुआंसी होने लगी। तो भगवान ने कहा भाई भक्ति तो बांध सकती है। भगवान बंध गए, जब भगवान बंधे तो उनका नाम पड़ा दामोदर। ये पूरे उखल बंधन की जो लीला का निर्वचन करने के लिए एक नाम है दामोदर। उधर पेट में दाम माने रस्सी, जब भगवान के पेट में रस्सी बंध गई तब उनका नाम पड़ा दामोदर। तो भक्त जब एक बार बोलता है हे दामोदर, तो उसको वो सारी लीला है ना याद हो जाती है। दधि मंथन से लेकर के उखल बंधन तक की लीला नामों का ऐसा है। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान शंकराचार्य ने जब विष्णु सहस्र नाम पर भाष्य लिखा, आप अगर भाष्य न पढ़ें और विष्णु सहस्र नाम पर आपको कह दिया जाए टीका लिखने के लिए, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हर नाम के पीछे कहीं निर्गुण का कोई सिद्धांत है, हर नाम के पीछे कहीं कोई सगुण की लीला है। अब जैसे दामोदर शब्द है तो अब अनलेस अंटिल यू हैव गॉन थ्रू इट, तब तक उस पर टीका नहीं कर सकते। और ऐसे कितने नाम हैं, 1000। तो उनके गुरु ने कहा उपनिषदों पर भाष्य लिखने के पहले तुम विष्णु सहस्रनाम पे लिखो, देखेंगे फिर कैसा होता है। उन्होंने एक रात में लिख दिया। उन्होंने सोचा था गुरुदेव ने कि 6 महीने लग जाएंगे, वो मैंने अगली सुबह भेंट किया उनको। दिव्य भाष्य, प्रथम भाष्य वही है भगवान शंकराचार्य। सो तो बंध गए महाराज, उसको उसी उखल में तो माता जी ने बांध दिया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने, कृपा करके भगवान ने देखा बहुत परिश्रम हो गया मेरी माँ को, बिल्कुल थक गई झुंझला गई, रोने रोने को है। बंधने स्वबंधने आसीत, अपने बंधन में आ गए महाराज, उखल में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा लाओ एक लीला और करते हैं। धीरे धीरे चले, उखल को घसीटते घसीटते बाहर ले गए। बच्चे खेल रहे थे बाहर, देख रहे थे ये क्या हो रहा है। वो दो पेड़ थे महाराज यमला अर्जुन, वो खुद तो निकल गए उधर, उखल अटक गया इधर। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया और दोनों पेड़ तड़ातड़ करते हुए गिरे, दौड़े आए सब लोग, क्या हुआ। बच्चों ने कहा हमने पहले भी कहा था, आप लोग तो मानते नहीं, इसी ने किया है। हमने खुद प्रत्यक्ष देखा, इसने थोड़ा जोर लगाया, ये दोनों पेड़ गिर गए। लोगों ने कहा बच्चों की बातें हैं, बताओ पेड़ गिरा देगा। लेकिन मन में तो थोड़ा कुछ न कुछ हो ही जाता है कि कुछ बात तो होगी,
सो भगवान के सामर्थ्य का बोध, भगवान के ऐश्वर्य का जो बोध है वो धीरे 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 गोकुलवासियों के चित्त में समा रहा है। ये पढ़ने से भी होता है, सत्संग से भी होता है, और अपने जीवन में भी उनकी ऐश्वर्य लीलाएं चलती रहती हैं। जैसे माधुरी लीला है यशोदा जी के साथ, तो माधुरी रस के प्रवाह के लिए है, लेकिन साथ के साथ में ऐश्वर्य लीला आप अपने जीवन में देखो, जहां आप हार जाते हो वहां कुछ निकल साधन बन जाता है, गाड़ी निकल जाती है, तो वो तो सामर्थ्य लीला ही है। अगर ये न हमारे मन को लगे कि वो समर्थ है तो कहां से आश्रय लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें जब ये बराबर लगता है कि जहां हमारे सारे साधन थक जाते हैं वहां उसकी चुटकी से काम हो जाता है, तो सामर्थ्य की जो अनुभूति है वो बहुत जरूरी है। भगवान अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं सामर्थ्य दिखाते, बिल्कुल नहीं। उनको क्या उखल बंधना और पेड़ तोड़ना, ये कोई भगवान की सामर्थ्य है? भगवान की सामर्थ्य तो सृष्टि भंग करने में और सृष्टि को उदय करने में भी पूरी नहीं पड़ती। वेद ने कहा एतावानस्य महिमा अतो जायागस्य पुरुषः, पुरुष तो इससे बहुत ज्यादा है। गीता ने कहा एकांशेन स्थितो जगत, उस मालिक को कोई पेड़ तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन प्रत्यक्ष एक चीज दिखती है तो आश्रय भाव जगता है। लीला का एक प्रयोजन है और लीला में ऐश्वर्य का प्रकटन बहुत जरूरी है। लेकिन कृष्ण जी की लीला में बड़ी मजेदार बात है, एक तरफ ऐश्वर्य प्रकट होता रहता है, दूसरी तरफ माधुर्य प्रकट होता रहता है, तीसरी तरफ सौलभ्य की अनुभूति हमेशा होती है। देखो ये तीन मिले बिना भक्ति सिद्ध हो नहीं सकती। सौलभ्य माने सुलभ, हमको प्राप्त हो। आप देखो जरा इस पर विचार करो, कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है लेकिन मधुर नहीं है, मुश्किल हो जाती है। आदर करेंगे ये कह सकते हैं, कोई व्यक्ति मानो मधुर भी है समर्थ भी है लेकिन मुझे सुलभ नहीं है। भाव कब बहता है? जब इस तरह की वृत्ति आती है कि देखो इतने बड़े व्यक्ति होने पर भी, हम लोग आपस में बात करते हैं कि इतने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं, फिर भी जब हम गए ना तो एकदम उन्होंने बुला लिया। हाँ, हम जब भी जाते हैं एकदम मिलते हैं, पास बैठाते हैं और एकदम साधारण बच्चे की तरह बात करते हैं, ही सच ए ग्रेट पर्सन, बट डाउन टू अर्थ ये बोलते हैं, लुक एट दिस। ये जब तक दोनों न मिले ना तब तक बात बनती नहीं। यशोदा जी के लिए भगवान कितने सुलभ हैं, एकदम। गोपियों के लिए एकदम सुलभ है, एक तरफ मधुरता इतनी, सुलभता इतनी, एट द सेम टाइम थोड़ा जोर लगाया पेड़ गिर गया। तो दो गंधर्व, दो यक्ष निकले, बोले नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों यक्ष हैं, कुबेर के लड़के थे। महाराज देख लो, अब ये लोग जो हैं धन मद में मस्त हो गए थे, बिल्कुल आंखों में ना इनके मद चढ़ गया था धन का। कुबेर के लड़के हैं, कोई छोटे मोटे थोड़े बट फुटकर सेठ लोगों के लड़के मत वाले हो जाते हैं। ये तुम्हारा कुबेर के लड़के हैं, आप सोचो। तो ये एकदम मस्त हैं और विलास करते हैं युवतियों के साथ। एक बार उधर से नारद जी आए तो नग्न थे लोग, बाकी लोगों ने धड़ाधड़ कपड़े पड़े पहने और ये लोग अपना बोले आते रहते हैं, ये पता नहीं ऋषि लोग भी इधर से क्यों आते हैं। तो कई बार ना निर्लज्जता को
प्रगति का सूचक माना जाता है। आजकल बार बार ये दिखाई देता है, मॉडर्न है, दिमाग बेच के आए हैं। ये लोग बिल्कुल ही नंग धड़ंग देवर्षि नारद उधर से गुजरे, इनको कुछ समझ ही नहीं आया। नारद जी ने कहा, भाई आंख अगर किसी की मद से खराब हो गई हो तो उसमें केवल दरिद्रता का अंजन लगाना चाहिए और कुछ नहीं। अंजन है, अंजन ये गरीबी का अंजन लगा देने से ये मद उतर जाता है। और तुमको यदि बिना वस्त्र के ही बहुत अच्छा लगता है तो पेड़ों के साथ मेरे ख्याल से तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी। तो उनका कल्याण करने के लिए नारद जी ने श्राप दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। अतोर हतस्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः, मतवाले लोगों जाओ पेड़ हो जाओ, आराम से रहो, खड़े रहो, न तुम नमते हो, न प्रणाम करते हो, न तुम्हारे हृदय में लज्जा है, न वस्त्र धारण करते हो, बिल्कुल उसी के लायक हो। भगवान जो है ना कल्याण के लिए ही श्राप दिलवाते हैं, ऋषि लोग केवल अंतः वृत्ति का अनुवाद करते हैं। श्राप क्या दिया, जो उनकी वृत्ति थी वो बोल दिया उन्होंने। जब ये गिड़गिड़ाने लगे महाराज, तब इनको कहा कि अच्छा जाओ, कृष्ण भगवान के स्पर्श से तुमको पुनः तुम्हारी गति प्राप्त होगी। तो आज उनका उद्धार हुआ, यमलार्जुन का। ये नलकूबर नाम है एक का, और एक का मणिग्रीव, यक्ष है ये। तो कभी कभी उत्तम योनि में जाने के बाद भी विकार ग्रस्त होता है व्यक्ति, इसको बोलते हैं आरूढ़ पतित। एक होता है पतित आरूढ़, पतित है तो ऊपर गया, दूसरे को बोलते हैं आरूढ़ पतित, ऊपर से नीचे आता है। तो ये महाराज इनकी पिटाई हुई, ठीक हो गई है। यमलार्जुन की कथा के बाद यहां वर्णन ये आया कि स्तुति की उन्होंने और गए, तो भगवान थोड़े से बड़े हुए तो उनको इजाजत मिली कि अब आप बछड़ों को चरा सकते हो। भगवान रोज जिद करते थे नंद बाबा से कि मैं गायों को चराऊंगा। बोले अभी समय नहीं आया। बोले नहीं, कब समय आएगा, रोज एक दिन बीत जाता है, रोज जिद करते हैं। तो आज उनको अनुमति दी गई लिखित में कि आप लोग वत्स पालित हो। बोले अब आप लोग जो हो वत्सपाल बनो, गोपाल नहीं अभी, वत्सपाल बनो। वत्सपाल बने महाराज। पहला दिन है तो सिर पर पगड़ी बांधे हुए, बड़ा उनको जमता है कि दिस इज द यूनिफॉर्म, आई एम गोइंग टू गेट इट। तो छोटी सी कमली कंधे पर लगाए हुए, एक लाठी छोटी वाली उनको दी गई, घुटने तक की धोती पहनी कन्हैया जी ने, मोर पंख लगाया, वाओ। रात भर उस दिन सोए नहीं, बार बार लगे कहीं लेट ना हो जाऊं। गोकुल के बालक लोग जो हैं तो वो उनके प्रतीक्षा में हैं, तो वत्स पालन के लिए भगवान चलते हैं। इस बीच में घटना ये हुई थी कि गोकुल से इन लोगों को वृंदावन ले आया गया। एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पे नंद के एक बुजुर्ग थे, तो उनका नाम था उपनंद। उन्होंने कहा, लगता है ये स्थान में कोई दोष आ गया है, यहाँ कई उत्पात हो गए, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो इनका कोई पक्का मकान नहीं बना हुआ था कि वह मोह होगा कि पता नहीं, देखो अब इतना बड़ा घर छोड़, नथिंग डूइंग, झोपड़ियाँ बन जाती थीं 10-5 दिन में। सब ने कहा ये ठीक है, प्रस्ताव पास हो गया। कहाँ के लिए, बोले वृंदावन के लिए। भगवान की सारी लीला भूमि है वृंदावन। गोकुल से पहले मथुरा से गोकुल गए, अब गोकुल से पूरा गांव लेकर के महाराज
तो वृंदावन गए। लिखते हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। ग्यारहवें अध्याय में 28वें श्लोक में ये प्रस्ताव रखा। सबने कहा साधु साधु इति वादिन, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से चलना चाहिए। वृंदावन में भगवान वत्सपाल बने, लीला वहीं शुरू हुई। इन लोगों की एक मर्यादा खींच दी गई कि इतने दूर के आगे न जाना बछड़े चराने के लिए। भगवान की बड़ी सीमा है। तो एक दिन ये बछड़े चराने के लिए लोग गए थे, इस बीच में तो वत्सासुर आया। एक असुर है जो बछड़ा बन करके आता है। देखो वत्सासुर बड़ा मुश्किल है, कई लोगों को यह वत्सासुर बहुत सताता है। महाराज क्या बोलते हो, पुत्र मोह? देखो हाँ, ये वत्स तो वात्सल्य के लिए है, प्यार के लिए है, लेकिन ये असुर शब्द लिखा है, वत्सासुर। असुर है जो वत्स के रूप में मिल गया वहां पर, और उसकी इच्छा ये है कि बस इन लोगों को ले जाए, बच्चों को बहका ले जाए। होता ऐसा है, ममता जो है वात्सल्य में भी कभी कभी नारायण हाँ आसुर भाव समाता है। ये नहीं है, है महाराज बिल्कुल है। वो दूसरे के बच्चों को हिंसक वृत्ति से दिखा देता है, नहीं दिखाता। आखिर ये वत्स जो है दूसरे वत्सों का वध कराने के लिए आया था। वत्स को असुर कहा भागवत जी में, यदि नारायण उसमें पक्षपात हो जाए, यदि वह दूसरों के प्रति हिंसा वृत्ति उत्पन्न करता हो। वत्स होने पर भी वात्सल्य तो रहे, पक्षपात ना आवे। वात्सल्य तो रहे लेकिन न्याय बुद्धि मलिन न होए। वात्सल्य तो होवे लेकिन दूसरे के बच्चों के प्रति है ना भेदभाव हिंसा वृत्ति न आवे, ये तो जरूरी है। ये हो जाता है, इसलिए एक विचित्र नाम रखा वत्सासुर। भगवान ने उसको मारा महाराज, पात्यमान ही पपात ही। ये तो बछड़ों के मने बच्चे जैसा ही होता है, असुर थोड़ो दिखता है वो। लिखा है तम वत्सरूपिणम, जिस बच्चे की वजह से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं मोह के कारण, वो क्या असुर दिखता है क्या? वो भी तो बच्चा ही दिखता है। ये भगवान को लगा कि इसको तो बस छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए, मार दिया भगवान ने। तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालको, सर्वलोक का पालन करने वाले भगवान कृष्ण आज जो है वत्सपाल की भूमिका में दिखाई देते हैं। एक दिन चराने आए लोग तो बकासुर का वध किया। वो महान एक जीव बैठा हुआ है, बच्चे जाते हैं उसके पास, ये क्या है ये क्या है? बलदाव जी की ओर देखा भगवान ने, बोले देखो ये तो आया फिर से, उजरे पंख दिए बगुलन को। ये महाराज पाखंड वृत्ति।